ये वाला जो रास्ता है ना वो है आपका, सबसे पहले इस्कॉन टेम्पल आता है और उसके बाद आता है बांके बिहारी। तो स्टार्ट करो अपनी जर्नी बांके बिहारी से, सबसे पहले बांके बिहारी के दर्शन करो, उसके बाद आओ इस्कॉन टेम्पल, एंड इस्कॉन टेम्पल के बाद आओ प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर में दर्शन करने के बाद 12 बजे तक आप फ्री हो पाओगे। इन तीनों मंदिर आर्किटेक्ट के मामले में अगर मैं बात करूँ तो बहुत सुंदर बना है, पूरा व्हाइट टेम्पल है। प्रेम मंदिर पूरा प्योर मार्बल से बना हुआ है, और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैसा लगता है। तो ये जो व्हाइट मार्बल का बना हुआ मंदिर आप देख रहे हैं, इसका नाम है प्रेम मंदिर। और आज का जो दिन है बड़ा ख़ास है, क्योंकि आज ही के दिन इस मंदिर की स्थापना हुई थी, और आज के दिन को बोलते हैं जगत गुरुतम दिवस। तो आज काफ़ी सेलिब्रेशन हो रहा है यहाँ पे। मंदिर वैसे तो 12 बजे बंद हो जाता है दोपहर में, फिर इवनिंग में खुलता है दोबारा, और रात को यहाँ बहुत अच्छा लगता है। मैं लास्ट टाइम आया था रात में, बहुत बहुत अच्छा लगता है। ये जो मार्बल आप देख रहे हो ना, इसे इटली से मंगाया गया था, और कहते हैं कि मोर देन 1000 शिल्पकार फ्रॉम राजस्थान एंड यूपी, उन लोगों ने मिलके ये मंदिर 11 साल लगभग लगे थे उसको बनाने में, और अराउंड मोर देन 100 करोड़ रुपए इस मंदिर को बनाने में लगे थे। मंदिर का व्यू एंट्रेंस कुछ ऐसा लगता है, क्योंकि कैमरा अलाउ है तो लोग फोटो वगैरह यहाँ पे ले रहे हैं अपना, और वीडियोज़ बना रहे हैं। टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ काफ़ी सारा स्पेस दिया गया है, और लोग मंदिर के दर्शन करने के बाद यहाँ पे बैठते हैं। और ये जो बाहर का एरिया है बहुत सुंदर बनाया गया है। मंदिर बहुत ही ज़्यादा बड़े एरिया में है, लगभग 55 एकड़ में बनाया गया है पूरा का पूरा मंदिर, और हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है, करीबन 125 फुट जो इसकी ऊंचाई है ये वाली। और मंदिर के अंदर जो है ना, ये कुछ ऐसा दिखता है। अब अंदर क्या है, भगवान राधा और कृष्ण की मूर्ति है और सीताराम की भी मूर्ति है, बट कैमरा अलाउड नहीं है वहाँ पे, दिखाना पॉसिबल नहीं था। हम लोग वहाँ से एंट्री किए थे, और फिर पूरा ये चक्कर करते हुए जो आपको दिखाया था उस टाइम पार्क बना हुआ था, वहाँ से यहाँ आए। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसके ना परिक्रमा कर रहे हैं। हमारे यहाँ हिंदू कल्चर में क्या होता है, किसी भी मंदिर में आप आते हो तो उसके परिक्रमा करनी होती है, और फिर उसके बाद ये जो स्पेस है ना काफ़ी सारा, यहाँ पे हम बैठ के टाइम स्पेंड करते हैं। तो परिक्रमा करते टाइम मैंने एक चीज़ देखी, यहाँ पे जो आप संगमरमर देख रहे हो ना, इसके हर पिलर पे आपको कुछ ना कुछ बना हुआ दिखेगा, और उसमें मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो राधा और कृष्ण की मूर्तियों से रिलेटेड है। ये मंदिर वास्तुकला के माध्यम से दिव्य प्रेम को साकार करता है। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि ये जो मंदिर है ना, ये सारे हर प्रकार के जाति धर्म लोगों के लिए ओपन है, किसी भी कंट्री का कोई भी इंसान यहाँ प्रेम मंदिर में आ सकता है। मेन एंट्रेंस गेट थी ना, वहाँ पे आपको 8 मयूरों के नक्शीदार तोरण बने हुए हैं, तो पूरे मंदिर की बाहरी दीवारों पर राधा कृष्ण की लीलाओं को दिखाया गया है। इसी प्रकार मंदिर के अंदर जो दीवारें हैं वहाँ पे भी राधा कृष्ण और कृपालू जी महाराज की विविध झांकियों का भी अंकन हुआ है। मंदिर में कुल टोटल 94 स्तंभ हैं, जिसमें राधा कृष्ण की विभिन्न लीलाओं को सजाया गया है। और क्योंकि अभी 12 बज गए हैं दोपहर के, तो सिक्योरिटी गार्ड बोल रहे हैं भाई जितनी जल्दी हो जाए कर लो यहाँ से। तो एक रिक्वेस्ट है, अगर आप आ रहे हो वृंदावन तो जल्दी आइएगा प्रेम मंदिर, अदरवाइज़ आपको टाइम स्पेंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि मंदिर बहुत बड़ा है, और इस मंदिर को प्रॉपरली घूमने के लिए ना आपको एटलीस्ट कम से कम 2 घंटे चाहिए ही चाहिए। तो आप 10 बजे जब आ जाओगे ना यहाँ पे, तब आप घूम पाओगे। आज जगत गुरुतम दिवस है तो भीड़ भी, क्योंकि अब 12 बज गया ना तो भीड़ कम दिख रही है आपको, लोग निकल चुके हैं ऑलमोस्ट, अदरवाइज़ यहाँ पे इतना अच्छा खासा क्राउड होता है। तो वहाँ उस साइड कैफेटेरिया है, अंदर आप खा पी सकते हो। और ये जो है ना, ये गोवर्धन का लीला बनाई हुई है। तो एक चीज़ और है, इसके अंदर ना कई सारी लीलाएँ बनाई गई हैं, जैसे गोवर्धन लीला, कालिया नाग दमन लीला, झूलन लीला की झांकियाँ। तो और यहाँ पे फाउंटेन भी है एक, तो फाउंटेन शो होता है रात में। तो इवनिंग में आओगे, मैं रिकमेंड करूँगा इवनिंग ज़्यादा बेटर है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 12 बजे से पहले आ जाओ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अभी हम चलते हैं ये गोवर्धन लीला के साइड में जो बनाया है इन लोगों ने। तो यहाँ पे क्या है, मंदिर के जस्ट सामने, अभी इसके जस्ट एकदम फ्रंट में आपको मंदिर मिल जाता है, यहाँ पे लोग फोटो वगैरह ले रहे हैं। तो यहाँ गोवर्धन लीला को दर्शाया गया है। इसमें क्या है कि ये जो ऊपर आप देख रहे हो ना बड़ा सा पत्थर, ये है गोवर्धन पर्वत, और नीचे जो है गोकुल के लोग हैं और कृष्ण भगवान अपनी एक उंगली पे ये पूरा का पूरा पर्वत रखे हुए हैं। तो इसके पीछे एक स्टोरी है गोवर्धन की, आप इंटरनेट पे जाके पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर वीडियोस बनाई हैं।
फिलहाल ये जो गोवर्धन पर्वत है इसी की जो लीला है, इसके जस्ट सामने मंदिर है। तो अब यहाँ गोवर्धन के जो झांकी है इसको देखने के बाद अब आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ और भी झांकियाँ बनी हुई हैं और ये सब ना बड़े अच्छा लगता है जब आप रात में आते हो स्पेशली। इसीलिए मैं बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ कि रात में आओगे ना तो लाइटिंग्स में बड़ा अच्छा लगता है देखने को। तो ये सारी झांकियाँ जो हैं इन सबको देख के अब हम निकल लिए यहाँ से होकर एग्ज़िट। और भाई मंदिर का एंट्री और एग्ज़िट एक ही है और इतना सुंदर बनाया है कि ये लगता है कि बस यहीं रुके रहें। तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको ना कम से कम 2 से 2.5 घंटे तो चाहिए चाहिए, प्रॉपरली टाइम स्पेंड करना पड़ेगा यहाँ पे देखने के लिए। अभी मैं ना अपनी फैमिली के साथ आया हुआ था तो अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से प्रेम मंदिर के बाद निधिवन दर्शन करने। कहा है मम्मी? मंदिर कहा हुआ? मथुरा में काम मंदिर है। इशिका बंद हो गया होगा। ओ इशिका, इशिका, ओ इशिका देख ले, इशिका इधर इधर। तो प्रेम मंदिर से लिया एग्जिट और यहाँ पे बाहर ही मिल जाता है टोटो। अब टोटो ना निधिवन डायरेक्ट नहीं जाता, पहले हमको ना बाकी विहारी तक जाना है। 10 रुपये पर पर्सन लेता है तो हमने टोटो ले लिया और अब वहाँ से फिर से 10 रुपये पर पर्सन लेगा निधिवन तक के। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो निधिवन की होने वाली है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी जगह है। थोड़ी सी बहुत एडिटिंग रह गई है, मैं जल्दी जल्दी उसकी एडिटिंग करके अपलोड करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।